यूपी के बांदा की नरोनी सीट से भाजपा विधायक राजकरण कबीर ने आज ही रात 11 बजे के आसपास पशु तस्करों के एक बड़े पार्सल कंटेनर ट्रक को दौड़ाकर मेडिकल कॉलेज के पास पकड़ लिया। उन्हें आशंका थी कि इसमें गौवंशों को ले जाया जा रहा है और इसकी सूचना पुलिस को दी। भाजपा विधायक हमीरपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा कर वापस नरोनी लौट रहे थे। उन्होंने इसकी सूचना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भी दे दी और मौके पर कुछ देर रुककर अपने गंतव्य को चले गए। बाद में मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कंटेनर को उनके सामने खुलवाया, जिसमें 60 से 70 भैंस और पशुओं को अवैध तरीके से क्रूरतापूर्ण ढंग से ले जाया जा रहा था। सभी के मुंह, हाथ और पैर बेतरतीब तरीके से बंधे हुए थे। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि पुलिस तस्करों से मिली हुई है। वहां मौके पर मौजूद शहर कोतवाल बलजीत सिंह आंशिक जानकारी देकर भाग खड़े हुए। वाहन को पशु पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। विहिप नेताओं ने कहा कि नरेनी से यह ट्रक लोड हुआ है और बांदा शहर में दाखिल हो गया। 30 किलोमीटर तक इसे किसी पुलिस ने नहीं रोका। बजरंग दल संयोजक प्रभाकर चंदेल ने बताया कि यह काम बीते कई महीनों से पुलिस से सांठगांठ कर कुछ सफेद पोशों के संरक्षण में चल रहा है। भाजपा नेताओं के संरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि तस्कर भाजपा के झंडे लगी गाड़ी का इस्तेमाल इस काम में करते थे और जरूरत पड़ने पर भाजपा विधायकों का नाम ले पुलिस पर रौब झाड़ते थे। ऐसे ही कुछ लोग आज भी रौब झाड़ ट्रक को छुड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी हमारे कार्यकर्ताओं ने मरम्मत कर दी। यह पार्सल ट्रक नरेनी से बांदा की ओर आ रहा था, जिसे हमीरपुर से लौट रहे हमारे नरेनी भाजपा विधायक ने दौड़ाकर पकड़ लिया। तब इसको खुलवाया गया और पकड़ा गया है। इसमें से 50 भैंसे जानवर हैं जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आते हैं, उनको ठूस ठूस करके भरा गया है। यह कार्य बराबर इस क्षेत्र पे चल रहा है, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर नरेनी से निकल करके, गिरुआ थाना से निकल करके ये कंटेनर बांदा आ जाता है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर पता नहीं चला कैसे, किसकी मिली भगत है ये देखना पड़ेगा। ये व्यापार फल फूल रहा है। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी इसको अनलोड करके सुपुर्दगी की जा रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, वो हमीरपुर से लौट करके बांदा है, बांदा से यहाँ से सीधे नरेनी अपने घर जा रहे थे, तभी ये रास्ते में ये कंटेनर उनको मिला। प्रभाकर जी, इसके पहले भी एक ट्रक यहाँ से पास हो रहा था और ऑनलाइन यहाँ के पूर्व कोतवाल साहब ने उसे पैसा लिया था 50,000 और वो सस्पेंड किए गए थे। जी, तो क्या है मामला, क्या ये इसे कौन कर रहा है? यह एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें बहुत सारे सफेदपोश लोग लगे हुए हैं। ये बहुत लोगों की रोजी रोटी का साधन बन गया है और इसमें गले तक कंठ तक डूबे हुए हैं यहाँ के समाज के लोग हैं कुछ लोग। क्या लोग बीजेपी का झंडा लगा के ऐसा काम कर रहे हैं? हाँ, अभी मैंने देखा, आज भी देखा, एक सफेदपोश बीजेपी का झंडा लगा करके इसको पुलिस को प्रभावित करने के लिए आए, लेकिन वो मार खा करके गए। बांदा से अयाज जामा की रिपोर्ट।